हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि और बहुत सारी खुशियाँ आए और आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिजाइनर क्रॉस बॉडी बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिजाइनर क्रॉस बॉडी बैग स्टिच किया है। इसमें हमने देखिए फ्रंट साइड में एक जिपर पॉकेट दी है, इसको हम ओपन करेंगे और इसके अपना कुछ भी सेट करते हुए इसे से लॉक कर दीजिए और ऐसे इसको भी ओपन कर लेंगे और इसमें भी देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए इसे से इसको लॉक कर दीजिए और इस पॉकेट को भी ओपन करेंगे। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, सेल फोन है या कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए इसे से लॉक कर दीजिए और इस पॉकेट को भी ओपन करेंगे। और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है, इस साइड अपने सामान को सेट करते हुए इसे से लॉक कर दीजिए और सेकंड पॉकेट को भी ओपन कर लेंगे। इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है और इस साइड ये हमारी एक इनर पॉकेट है, इसमें भी अपना कुछ भी सेट करते हुए आप रख सकते हैं। इसे लॉक करेंगे और इस साइड भी अपने सामान को सेट करते हुए जिप से इसको भी लॉक कर देंगे और बैक साइड में भी एक जिपर पॉकेट है, इसको भी ओपन करेंगे। इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, इसको जिप से लॉक करेंगे और ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से और इस बेल्ट से आप इसको एडजस्ट करते हुए क्रॉस करके कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसकी सारी पॉकेट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग बनाने के लिए हमने 8x9 की 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने सारे पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 8x9 की 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और 4 हमें ये प्लेन पीसेस लेने हैं 8x9 के। 3x18 का 1 हमें ये क्विल्टेड पीस लेना है और 1.5x18 का 1 हमें ये क्विल्टेड पीस लेना है। 2.5x14 का हमें 1 ये क्विल्टेड पीस लेना है और 1.5x12 का हमें 1 क्विल्टेड पीस लेना है। 5x6 का हमें 1 क्विल्टेड पीस लेना है और 1 हमें ये प्लेन पीस लेना है 5x6 का। 6 इंच की हमें 1 जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और 8 इंच की हमें 4 जिप लेनी है और सब में हमें सिंगल रनर लेना है। 14 इंच की हमें 2 जिप लेनी है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है। 55 इंच की हमें 1 बेल्ट लेनी है और 6 इंच की हमें 1 बेल्ट लेनी है। 1 हमें देखिए एडजस्टर लेना है और 2 हमें ये डी रिंग्स लेना है। सबसे पहले हम ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम जिप लेंगे 8 इंच की और इसमें देखिए ये 8 का साइड है और ये 9 का साइड है, तो हम एक साइड से 9 की साइड में हम 2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और अब हम जो मार्क किया है इसको हम मार्क वाली लाइन पे कट कर लेंगे और ये जो जिप है, जिप को हम क्विल्टेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच करेंगे और ऐसे ही इस क्विल्टेड पीस में भी हम इस जिप को कट करके पहले क्विल्टेड पीस को मार्क करके कट करेंगे, फिर इसमें भी हम जिप को अटैच करेंगे। जिप को हमने देखिए दोनों पार्ट्स में अटैच कर दिया है और अब देखिए इस साइड से हम क्विल्टेड पीस का मेजर करेंगे।
ये हमें 9 इंच पे रेडी करना है। तो जिप लगाने के बाद अगर क्रोटेड पीस का पार्ट बढ़ जाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा पार्ट को मार्क करके 9 इंच पे डाउन करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिएगा। बट ये पूरा हमारा क्रोटेड पीस 9 इंच पे जिप लगाने के बाद रेडी है। दोनों पार्ट्स देखिए 9 इंच पे हमारे रेडी हो गए हैं, ये भी 9 इंच पे रेडी है। और अब देखिए ये जो जिप है इसको हम ओपन करके दोनों जिप पे रनर डाल देंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए चारों कॉर्नर्स पे हमें शेप में मार्क करना है। तो एक कॉर्नर से हम यहाँ पर 1/2 इंच पे देखिए मार्क करेंगे और इस साइड से 1 इंच पे डाउन करेंगे और इस साइड भी 1 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। और अब देखिए ये जो हमने 1 इंच मार्क किया है इस साइड से शेप में मार्क करते हुए 1/2 इंच वाले मार्क में लाएंगे। इसके बाद 1 इंच वाले मार्क मिलाते हुए ऐसे हम शेप में मार्क कर लेंगे और ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स पे शेप में मार्क करके स्टिच करके इसको कट करेंगे। तो पहले हम शेप में मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए शेप में कॉर्नर्स पे मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 8x9 की ये हम प्लेन पीसेस लेंगे और 8 इंच की जिप लेंगे। एक प्लेन पीस में हमें जिप को अटैच करना है। तो जिप को हम प्लेन पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे करते हुए इस साइड अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया प्लेन पीस पे और बॉटम की साइड में हम 2.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। आप चाहे तो मार्क कर लीजिएगा। हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसको हम यहाँ से मार्क वाली लाइन पे कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए कट कर दिया है और इस प्लेन पीस को हम जिप की दूसरी साइड में देखिए अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब से दे देंगे। इस प्लेन पीस को भी हमने जिप में देखिए अटैच कर दिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल दिया है और ये जो प्लेन पीस है इसके ऊपर हम इस प्लेन पीस को देखिए ऐसे रखेंगे और इसमें से एक पार्ट खोलेंगे और इसको हम बैक साइड में देखिए ऐसे रखते हुए दोनों पार्ट्स को हम पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीसेस को हमने देखिए पिनअप कर लिया क्रोटेड पीस में और अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और ये जो हमने शेप में मार्क किया है यहाँ से देखिए शेप में ऐसे हम चारों कॉर्नर्स में स्टिच करते हुए दोनों प्लेन पीसेस को हम इस क्रोटेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों प्लेन पीसेस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने देखिए कॉर्नर से शेप में कट कर लिया है। 1 जिपर पॉकेट हमारी देखिए फ्रंट साइड में रेडी हो गई है और बैक साइड में भी ये हमारी जिपर पॉकेट रेडी हो गई है। और अब हम देखिए इसको फोल्ड करके इस साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इस साइड भी हम यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 5x6 का ये हम क्रोटेड पीस प्लेन पीस और 6 इंच की ये हम जिप लेंगे और ये जो क्रोटेड पीस है इसमें हम ये 5 का साइड है और ये 6 का साइड है तो हम 5 की साइड पे हम यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए मार्क कर लेंगे और अब हम मार्क वाली लाइन पे क्रोटेड पीस को कट कर लेंगे और जिप को हम क्रोटेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में रखते हुए इस साइड हम अटैच करेंगे, बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस क्रोटेड पीस को हम अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए क्रोटेड पीस में अटैच कर दिया है और अब हम इसमें भी देखिए साइड से मेजर करेंगे। इस साइड से हम देखिए 5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और स्टिच करके हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया साइड से और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब इसमें भी हम चारों कॉर्नर्स पे शेप में मार्क करेंगे। चारों कॉर्नर्स पे हम देखिए 1/2 इंच पे पहले कॉर्नर पे देखिए साइड से मार्क करेंगे। जैसे इसमें हमने मार्क किया है वैसे इसमें भी हमें मार्क करना है और इस साइड से 1 इंच पे और इस साइड से हम 1 इंच पे डाउन करते हुए चारों कॉर्नर्स पे हम शेप में मार्क कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स में इसमें भी हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब ये जो प्लेन पीस है इसको हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इस क्रोटेड पीस को रखते हुए हम ऐसे कॉर्नर्स पे जो मार्क किया है इसे राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम अटैच कर देंगे। इसमें भी हमने देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने देखिए कट कर लिया है और 1 जिपर पॉकेट इसमें भी रेडी हो गई है और अब हम इसको भी देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे।
इसको डेढ़ पीस पे हमने मार्क कर लिया है सेंटर का। और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम यहाँ पर चौक से मार्क कर लेंगे सेंटर का। इसमें हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और बॉटम की साइड से हम इसमें हाफ इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ये मैंने देखिए हाफ इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है। और ये जो क्विल्टेड पीस है इसको हम ये जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे और सेंटर में देखिए दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम पिनअप करेंगे। और ऐसे ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है और इस मार्क को दोनों मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब हम चौक से राउंड में इसमें हम मार्क कर लेंगे। राउंड में हमने देखिए मार्क कर लिया है, पिन को हम ओपन कर लेंगे। और अब देखिए हम 1.5x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे, 8 इंच की जिप लेंगे और 1.5 इंच की ये हम मेन फैब्रिक की पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम पहले जिप पे अटैच करेंगे एक साइड से, तो हम बैक साइड में देखिए पाइपिंग को रखते हुए इसमें हम स्टिच कर लेंगे। जिप पे हमने देखिए पाइपिंग को अटैच कर दिया है और अब हम पाइपिंग को देखिए ओपन करेंगे। ऐसे ओपन करते हुए इसको हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे स्टिच लाइन पे और स्टिच करके हम पाइपिंग को इसमें अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और इसको भी हम देखिए ओपन करेंगे जिप को और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब ये हम क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस में हम एक साइड से इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। फोल्ड करते हुए हमने देखिए क्विल्टेड पीस को स्टिच कर लिया है और ये जिप लेंगे। जिस साइड हमने देखिए पाइपिंग अटैच की है उस साइड ये फोल्ड वाला पार्ट होगा क्विल्टेड पीस का, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए जिस साइड से हमने फोल्ड किया है वो पाइपिंग अटैच की है जिप में, इसको हम इस पाइपिंग को ऐसे टर्न करते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को हम टर्न करते हुए स्टिच करके हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम पाइपिंग को देखिए ओपन करेंगे और क्विल्टेड पीस की साइड पे हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को और ऐसे इस साइड भी हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए हम दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब हम इस जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो जिप वाला पार्ट जो है उसको हम क्विल्टेड पीस में देखिए ऐसे सेट करेंगे सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और इस साइड भी हम सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप करेंगे। और इसको हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए जिप वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब हम इसको देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे। और इसमें हमने जो यहाँ पर सेंटर का मार्क किया था और इस मार्क को और ये जो हमने मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट से हम अंदर की साइड में सेट करते हुए इस पॉकेट को इसमें अटैच करेंगे। तो ये जो सेंटर का मार्क है और मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे अंदर की साइड में सेट करते हुए हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी ये जो सेंटर का मार्क है और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब हम इस पॉकेट को देखिए ऐसे मार्क वाली लाइन पे अंदर की साइड में सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच कर देंगे। पॉकेट को हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है, देखिए ऐसे हमें सेट करते हुए अटैच करना है। और वन हमारी साइड भी ये पॉकेट इसमें स्टिच हो गई है। जिप से हम इसको लॉक करेंगे और अब ये हम तीसरा प्लेन पीस लेंगे 8x9 का और इसको हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे और ये जो मार्क किया था हमने शेप में ऐसे शेप में चारों कॉर्नर्स पे स्टिच करते हुए हम प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस पे अटैच कर देंगे।
प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और वन पॉकेट इस साइड भी हमारी इसमें स्टिच हो गई है। और अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम दोनों साइडों से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने मार्क कर लिया है और इसमें भी हम देखिए दोनों मार्क वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और कुल्टेड पीस को सेट करते हुए हम इस साइड भी सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड भी मैं देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 2.5x14 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और 14 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम कुल्टेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम 14 इंच की दूसरी जिप लेंगे, 1.5x18 का कुल्टेड पीस और 3.5x18 का कुल्टेड पीस लेंगे और पहले हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डाल लेंगे। दोनों जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और ये जो जिप है इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और जिप को हम इसमें ऐसे सेट करेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग के साथ में हम दोनों पार्ट्स को इस साइड से अटैच करेंगे और ऐसी दूसरी साइड भी पाइपिंग के साथ में अटैच करेंगे और ऐसी इन दोनों पार्ट्स को भी सेट करते हुए पाइपिंग के साथ में हम अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए पाइपिंग के साथ में जिप वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे ओपन करेंगे और पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे हम इस साइड स्टिच करेंगे और इसमें भी हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और ऐसे इसमें भी देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है इसमें एक साइड से थोड़ा सा कुल्टेड पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है, एक साइड से हमने देखिए स्टिच कर लिया है जिस साइड से एक्स्ट्रा पार्ट था, तो अब हम कुल्टेड पीस को एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और ये जो स्टिच लाइन है स्टिच लाइन से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। देखिए ऐसे में मार्क करना है और ये हम बेल्ट लेंगे 6 इंच ही और डी रिंग्स लेंगे। इसको हम देखिए फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे और इस बेल्ट को एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखेंगे और ये हम डी रिंग लेंगे। डी रिंग को हम इसमें सेट करेंगे और ऐसे हम फोल्ड करते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस डी रिंग को बेल्ट के साथ में इसमें इस साइड अटैच करेंगे और ऐसे ही दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी साइड में मार्क करके इसमें हम अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए डी रिंग के साथ में बेल्ट को अटैच कर दिया है और अब हम इसमें सेंटर का मार्क करेंगे। दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पहले हम पिनअप कर लेंगे और अब देखिए इसको हम ऐसे सेट करते हुए दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और इस साइड हम ऐसे सेट करेंगे, दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और क्रोटेड पीस को देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी हम दोनों साइडों से सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे इसमें भी हम मार्क कर लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और इस कुल्टेड पीस पे भी सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम कुल्टेड पीसेस वाले पार्ट्स लेंगे, ये दोनों पार्ट्स लेंगे और ये जो पार्ट है उसमें हम इस जिप वाले पार्ट को अटैच करेंगे तो हम इसमें सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप करेंगे। फिर से हमने देखिए जिप वाले पार्ट को इसमें सेट कर दिया है और इसको हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे और ऐसे ही इसमें हम इस जिप वाले पार्ट को सेट करेंगे। तो इसमें हमने जिस साइड से जिप अटैच की है उसको हम कुल्टेड पीस में अटैच करेंगे तो सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पिनअप कर लिया है, इसको भी हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे।
दोनों पार्ट से मैंने देखिए जिप वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और ऐसे इसमें भी। और अब देखिए इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे राइट साइड में। प्रिंटेड पीस को मैंने देखिए टर्न कर लिया है और अब ये हम लास्ट वाला प्लेन पीस लेंगे 8x9 का। और इसमें हमने देखिए चारों कॉर्नर्स पे मार्क करके शेप में कट कर लिया है और इसमें हमने सेंटर का मार्क भी कर लिया है। और इस प्लेन पीस को हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे, देखिए राइट साइड ऐसे ओपन करते हुए हमें इस प्लेन पीस को ऐसे जिप वाले पार्ट के साथ सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप करना है। फिर से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और प्लेन पीस को हम राउंड में स्टिच करके स्कूटेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया कोटेड पीस में। और अब देखिए इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। राइट साइड देखिए दोनों एक साइड में होगा और जिस साइड ये जिप वाला पार्ट है उस साइड ये जिप वाला पार्ट होगा। दोनों पार्ट्स को हम सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और इन दोनों पार्ट्स को भी हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर लेंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब देखिए हम जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड करेंगे। जिप पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और ये दोनों पार्ट्स देखिए नीचे इसमें अटैच हो गए हैं। ये देखिए तो जिप वाले पार्ट इसमें अटैच हो गए हैं और जिप को हम देखिए साइड से लॉक कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम 55 इंच की बेल्ट लेंगे और एडजस्टर लेंगे। बेल्ट को हम देखिए एडजस्टर में सेट कर लेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे बेल्ट को और ऐसे टर्न करते हुए स्टिच करके हम इस साइड से अटैच कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए साइड से स्टिच कर लिया है और अब हम इसका दूसरा साइड वाला पार्ट लेंगे और ये जो डीरिंग है डीरिंग में हम बेल्ट को देखिए सेट कर लेंगे। और एडजस्टर में बेल्ट को हम देखिए दूसरी साइड से ऐसे बाहर की साइड में निकालते हुए सेट करेंगे। देखिए एक साइड से बेल्ट इसमें सेट हो गई है और अब देखिए दूसरी साइड में जो डीरिंग है उसमें हम इस बेल्ट को ऐसे डालते हुए अंदर की साइड में करते हुए इसको भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और टर्न करते हुए स्टिच करके हम इस साइड से भी अटैच कर देंगे। इस साइड से भी बेल्ट को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हमारा ये डिज़ाइन है क्रॉस बॉडी बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में ये हमारी ये जिपर पॉकेट है जिसमें अपना कॉइन्स वगैरह कुछ भी छोटा मोटा सामान सेट करके भी आप रख सकती हैं। और ऐसी वन पॉकेट हमारी इस साइड से है, ये देखिए इसको से लॉक करेंगे और वन पॉकेट हमारी साइड भी है, इसमें भी अपना कुछ भी सेट करते हुए आप रख सकती हैं। जिप से लॉक करेंगे और बैक साइड में भी वन जिपर पॉकेट है और इसको हम देखिए साइड से ओपन करेंगे। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, इस साइड अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकती हैं। और वन हमारी साइड यहाँ पर इनर पॉकेट है, इसको हम जिप से लॉक करेंगे और इस पॉकेट को भी ओपन करेंगे। और इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, इस साइड में अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकती हैं। इसे हम लॉक करेंगे और ये बैग देखिए ऐसा है बॉटम की साइड में और इस बेल्ट से हम इसको क्रॉस करके कैरी करेंगे। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है, इसकी सारी पॉकेट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। फ्रेंड्स आप इस बैग को जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।